ऐसा रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कभी कि कोई सपोज से कोई यूट्यूबर है जिसके पास में तीन चार कंप्यूटर लगे हुए हैं और उसको जो है इस कंप्यूटर पे वो जो है ना कुछ इंस्टॉल कर रहा है और उस कंप्यूटर पे वो कुछ जो अपना वीडियो रेंडर कर रहा है और दूसरे कंप्यूटर पे कुछ साउंड का काम कर रहा है, तो उसको ऐसा बार 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 एक कंप्यूटर दो कंप्यूटर तीन कंप्यूटर से मूव करना पड़ता है माउस कीबोर्ड के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि आप सेंट्रलाइज एक पीसी के ऊपर इंस्टॉल कर लेंगे ये सॉफ्टवेयर, इंस्टॉल करने के बाद में आप उससे एक सेंट्रलाइज कीबोर्ड माउस से आप कंप्यूटर बी कंप्यूटर सी कंप्यूटर डी कंप्यूटर ए आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बहुत ही मस्त सॉफ्टवेयर है जिसका साइज भी बहुत कम है छोटा सा है और ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है, तो आपको फ्री है, ये किसी को पे नहीं करना है, आपको टोटली फ्री है और चार कंप्यूटर और उसमें से आप मैनेज कर सकते हैं और उसमें से आप फाइल कॉपी कर सकते हैं, फाइल ड्रॉप कर सकते हैं और काफ़ी कुछ कर सकते हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है। कम ऑन लेट्स सी। सब्सक्राइब टू टेक एलिमेंट एंड प्रेस नोटिफिकेशन बेल टू गेट नोटिफाइड अबाउट टेक एलिमेंट वीडियोज। तो आप क्या कर रहे हैं कि आपको ये जो आप देख रहे हैं माउस विदाउट बॉर्डर सेटअप, ये आपको इंस्टॉल करना है, मतलब डाउनलोड करना है फिर इंस्टॉल करना है। तो गाइस इसके लिए क्या करना होगा आपको कि आपको जाना होगा यहाँ पर के अपने ब्राउजर में और यहाँ पे आपको टाइप करना होगा कुछ माउस विदाउट बॉर्डर डाउनलोड, तो ये आपको ये लिंक मिलेगी, तो ये लिंक मिलेगी तो आपको ये लिंक में जा करके यहाँ से आपको ये फ्री का माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर आपको लेना है डाउनलोड, डाउनलोड कर लेंगे तो आपको यहाँ पे डाउनलोड में जाके यहाँ के बैठ जाएगा डेफिनेटली कुछ इस तरह से। ये फाइल है, इसको आप रन करेंगे इंस्टॉल करेंगे नेक्स्ट 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 करेंगे तो आपको ये स्क्रीन मिलेगा, जब ये स्क्रीन मिल जाएगा तो आपका सेटअप रेडी हो गया है और आपका जो है इंस्टॉलेशन के लिए कम्प्लीटली तैयार है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन पूछ रहा है यस और नो का, तो ये पूछ रहा है कि क्या ये दूसरा कंप्यूटर है के फर्स्ट कंप्यूटर है, तो डेफिनेटली ये मेरा फर्स्ट कंप्यूटर है तो ये मैं यहाँ पे दूंगा नो, दिस इज नॉट माई अनदर कंप्यूटर, दिस इज फर्स्ट कंप्यूटर, ठीक है नो। तो अब यहाँ पे हम यहाँ दे रहा है सिक्योरिटी कोड और डेस्कटॉप नंबर नेम, तो ये जो कोड है ये कोड इसने खुद से जनरेट किया है, रैंडम कोड खुद जनरेट कर लेता है अपने आप से, एक यूनिक कोड उठा लेता है और ये जो कंप्यूटर नेम है ये मेरे डेस्कटॉप का या कोई कंप्यूटर का लैपटॉप का ये कंप्यूटर नेम है। हो सकता है कि आपके कंप्यूटर नेम राजेश हो, सुरेश हो, अब्बास हो, सुनील हो, ज्योति हो, जो भी हो यहाँ पे शो कर देगा। तो इतना होने के बाद में आपका सेटअप रेडी है आगे काम करने के लिए। अब आपको जो है दूसरे कंप्यूटर में जो आपका कंप्यूटर नंबर टू है, मतलब ये कंप्यूटर ए हो गया, ए का बी कंप्यूटर पर हम बोलेंगे उसको, कंप्यूटर नंबर बी पे भी आपको ये सेम चीज़ इंस्टॉल करनी है और वहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हमें नो दिया था उसमें आपको यस करना है। यस कर लेंगे तो एक बॉक्स आएगा, वहाँ पे आपको ये सिक्योरिटी कोड और ये जो डेस्कटॉप कंप्यूटर नेम है वो टाइप करना है। हाँ जी टाइप करना पड़ेगा, आप ज़रा सही से टाइप कर लीजिएगा, मिस्टेक नहीं कीजिएगा क्योंकि वो काफ़ी जंक टाइप का इसकी सिक्योरिटी कोड है। तो ठीक है आप नोट कर लीजिए, वहाँ टाइप कर लीजिएगा। चलते हैं हम दूसरे कंप्यूटर पर, वहाँ चले। इससे पहले जो मैंने इंस्टॉल किया था उसमें मैंने जो है नो दिया था क्योंकि मेरा कंप्यूटर नंबर वन था, कंप्यूटर ए था, अब ये कंप्यूटर नंबर बी है तो मैं यहाँ पे दूंगा यस कि मैं एक जगह पहले इंस्टॉल कर चुका हूँ। मैं यहाँ करता हूँ यहाँ पे यस, मैंने यहाँ पे यस कर दिया है और यस करने पर जो मुझे यहाँ पे ऑप्शन आया है वो की डालता हूँ कि मैंने पहले यस कर चुका हूँ, मुझे जूनी की दिखा रहा है और ये मैं निकाल देता हूँ। अब मैं यहाँ डालूँगा की, यहाँ पे की डाल देता हूँ जो जो कि बाकी कंप्यूटर में शो कर रहा है वो ये की डालता हूँ यहाँ पे वी, तो ये मैंने इंस्टॉल कर लिया हूँ, जो की थी मैंने यहाँ की डाल दिया और यहाँ पर जो मेरा डेस्कटॉप का कंप्यूटर नेम है वो कंप्यूटर नेम में डाल लेता हूँ, जैसे कि मेरा कंप्यूटर नेम है ज़ीरो, तो जैसे कि जो उसका पूरा की पेयरिंग था मैंने वो डाल दिया हूँ वी जेड टू, ये एक की है और ये कंप्यूटर नेम भी डाल दिया है मैंने पूरी तरह से। और यहाँ से मैं करता हूँ लिंक, तो अभी ये लिंकिंग के लिए जा रहा है, देखिए आई पी शो कर रहा है मेरा जो आई पी है कंप्यूटर का, उसने आई पी पकड़ लिया और ये हो गया सक्सेसफुल डन ऑलमोस्ट डन। तो अब मैं कैन कॉपी पेस्ट, आई कैन ड्रैग फाइल्स अक्रॉस द पी सी एंड पी सीज एंड आई कैन ऑल्सो शेयर द कीबोर्ड, तो अब मैं यहाँ से करता हूँ नेक्स्ट, तो ये हो गया डन डन डन, ये हो गया कनेक्शन। देखिए यहाँ पे आ गया दो वे हो गया, ये वन वे ये टू वे, जो जो मेरा कंप्यूटर ए है उसके अंदर ये टू वे आना चाहिए इन आउट, लोकल लोकल जो रहेगा
इस तरह से ही हो गया है, अब बाकी भी इस तरह से आ जाएगा 2-3 बोर्ड, अगर दो कंप्यूटर से ज़्यादा है 3-4 हैं तो भी कनेक्ट हो जाएंगे। तो अब ये रेडी हो गया है यहाँ से मूव होने के लिए, ये मैंने मूव किया तो माउस उसमें चला गया और यहाँ से मूव किया तो माउस उसमें से बाहर यहाँ पे आ गया। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप किस तरह से इसमें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हैं फाइल्स वगैरह, और किस तरह से आप इसमें से कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं, और किस तरह से आप एक कंप्यूटर से बैठ करके दूसरे कंप्यूटर लॉक कर सकते हैं। आपको दिखाऊंगा मैं, वो ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे आपको, देखिए ये रहा अदर ऑप्शन के अंदर। यहाँ से आपके पास में काफ़ी कुछ टिक मार्क किया हुआ है और काफ़ी कुछ टिक मार्क नहीं किया हुआ है, वो आपके ऊपर आपको क्या चीज़ चाहिए क्या चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ भी एक ऑप्शन है डिसेबल CAD, मतलब कंट्रोल ऑल डिलीट। आप चाहें तो एक कंप्यूटर में बैठ करके बाकी के कंप्यूटर पर कंट्रोल ऑल डिलीट कमांड दे सकते हैं और लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अगर आपको वो अगर नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे डिसेबल कर लीजिए, चाहिए तो टिक मार्क मारा हुआ है। और नीचे है, नीचे कुछ ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं F1, 2, 3, 4। ये F1, 2, 3, 4 जो है ये कंप्यूटर नंबर 1 है, कंप्यूटर नंबर 2 है, कंप्यूटर नंबर 3 है, कंप्यूटर नंबर 4 है, ठीक है। चार कंप्यूटर में आ जाएंगे तो चार के एंट्री ली भी है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 भी है, डिसेबल भी है। तो ये क्या है, ये आपको F1 के थ्रू आपको कंट्रोल करना है कि नंबर थ्रू करना है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है। मतलब कि कंट्रोल ऑल्ट प्लस F1 जो आपका कंप्यूटर नंबर 1 है जिसने आपने इंस्टॉल किया है, जो वह मेन सोर्स है, कंट्रोल ऑल्ट नंबर F2 मतलब सेकंड PC जो ये हो गया, कंट्रोल ऑल्ट F3 तीसरा PC जो आप बनाएंगे, और F4 मतलब फोर्थ PC जो आप बनाएंगे। तो फिलहाल अभी F1 F2 है, F1 जो है मेरा फर्स्ट कंप्यूटर है जो लैपटॉप मैंने यूज़ किया है, F2 जो है ये कंप्यूटर है जो मैंने ये यूज़ किया वो, ठीक है। इस तरह से तो वैसे ही सेम वे 1, 2, 3, 4 भी है, आप कंट्रोल ऑल्ट 1, 2, 3, 4 कर सकते हैं। अगर सपोज के कोई कभी कभी कहते हैं F1 F2 F3 ये सीरीज जो है ना ये कहीं और बुक होती है और कहीं यूज़ होती है तो आपको यूज़ नहीं करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन है आप 1, 2, 3, 4 कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 1, 2, 3, 4 लिया हुआ क्योंकि मेरे F1 F2 F3 की और यूज में है, इसके लिए मैंने 1, 2, 3, 4 सेलेक्ट किया हुआ है 1, 2, 3, 4। अब जो इसका जो सिस्टम है, ये जो चीज़ है, ये मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। अभी हम बात करते हैं क्लिक एंड ड्रैग की, कॉपी एंड पेस्ट की, और किस तरह से आप माउस और कीबोर्ड मैनेज कर सकते हैं, उसके बाद हम जाएंगे इस पार्ट के ऊपर। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतना बड़ा माउस क्यों रखा हुआ है, इसलिए रखा है कि आपके यहाँ माउस दिखा सकूँ मैं कि माउस कहाँ घूम रहा है, वरना माउस ढूंढने में परेशानी होती है कि माउस कहाँ चला गया। अच्छा, आप देख सकते हैं कि अभी पूरी तरह से कॉन्फिगर है, यहाँ पर हो चुका है और यहाँ पर भी आया है। अब मैं यहाँ पर आकर के इसको नेस्ट कर देता हूँ, ये मैंने नेस्ट कर लिया है और ये भी हो गया, ये देखिए डन हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कि ये दिखाया रहा है लोकल मशीन, क्योंकि ये अपनी खुद की लोकल मशीन है और ये नेक्स्ट PC है, वैसे जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि ये लोकल मशीन है, नेक्स्ट PC है, तो आपस में मूव हो रहा है माउस। आप देख सकते हैं कि मैं दोनों अभी आपके सामने रखे हुए, ये डेस्कटॉप है और ये रहा मेरा लैपटॉप, और यहाँ से मैं इस माउस को लेके जा रहा हूँ। देखिए आप यहाँ पे माउस दिख रहा है आपको, ये स्क्रीन के बाहर गया, ये इंटर हुआ, ये देखिए ये यहाँ से आया, दिखाता हूँ मैं, देखिए ये माउस जो है यहाँ से एंटर हुआ, यहाँ बाहर निकला, ये देख रहे हैं इस तरह से बहुत ही खूबसूरती से ये माउस यहाँ से वहाँ मूव हो रहा है। हम आपको ना थोड़ा सा अच्छा है कि इसे लिंक कर देते हैं थोड़ा सा सेम आने के लिए, कि आपको जो इजी हो कि किस तरह से ये माउस यहाँ से वहाँ जा रहा है। अच्छा, यहाँ से अभी यह माउस चलेगा और ये निकला, ठीक है। तो यहाँ जो जहाँ से मैं माउस यहाँ से बाहर करता हूँ कि यहाँ से मैंने ये आया तो ये सेंटर से बाहर आया है, बाहर गया है ना। तो इस तरह से अब जब यहाँ से आप इस माउस से, ये मेरा जो फिजिकल माउस है, इससे यहाँ जो है मूवमेंट हो रही है, वैसे ही मैं यहाँ से, मेरे पास में ये कीपैड है, मतलब सॉरी ये माउस पैड है लैपटॉप का माउस, उसको भी मैं अगर चाहूँ तो यहाँ से मूव कर सकता हूँ। देखिए ये मेरा माउस यहाँ मूव हो रहा है और यहाँ से मैं इसको लेफ्ट लेके जाऊँगा तो यहाँ पे आ जाता है ये माउस, ठीक है। तो ये बहुत खूबसूरती से बहुत ही फास्ट मूविंग हो रही है इसकी। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं यहाँ से अगर कोई चीज़ क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ तो किस तरह काम करती है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो है टेम्प क्लीनर जो फोल्डर है, ये रहा टेम्प क्लीनर का, अब ये रहा टेम्प क्लीनर। अब टेम्प क्लीनर फोल्डर को मैं क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ, देखिए यहाँ से मूव कर रहा हूँ मैं और यहाँ से लाता हूँ मैं, यहाँ से आया, देखिए दिख रहा है वो टेम्प क्लीनर, वो यहाँ पे आ चुका है, यहाँ छोड़ देता हूँ मैं। यहाँ पे जैसे ही मैं छोड़ूंगा टेम्प क्लीनर को तो देखिए ये कॉपी हो गया है। अब यहाँ पे आपको कैसे मालूम पड़ेगा कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ से आई है, मतलब कि ये मैंने क्लिक एंड ड्रैग करके जो मैंने कॉपी किया है ना, वो एक अच्छी बात यह है कि ये एक फोल्डर बना देता है, एक फोल्डर आपको क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, मिनिमाइज
देखिए यहाँ डेस्कटॉप के ऊपर ये फोल्डर क्रिएट कर लेगा जहाँ पे ये फाइल रख देता है, ये रहा फाइल, ठीक है ना। हम आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से काम कर रहा है। डेस्कटॉप पे ये रहा है, ये फोल्डर अभी बना है, इसके अंदर आके चीज़ें बैठ जाती हैं। आप चाहे कहीं से कुछ भी क्लिक एंड ड्रैग करें, चाहे आप डी में ड्रैग करें चाहे सी में ड्रैग करेंगे ना, वो बाय डिफॉल्ट आपको डेस्कटॉप में माउस विदाउट बॉर्डर्स में जाके रख देगा। सपोज़ अभी जैसे कि मैंने जो है यहाँ से एक कोई और फाइल उठा लेता हूँ, यहाँ से ये रही, चलिए ये फाइल मैं ले रहा हूँ, ये मैंने फाइल ड्रैग कर ली और यहाँ पे लाके मैंने ये फाइल को छोड़ दिया है। अब देखिए ये मैंने फाइल छोड़ दिया तो यहाँ पे आपका फाइल आपको दिखेगी ये रही, ऑटोमेटिक यहाँ के बढ़ जाती है। तो आपको रिमेंबर रहता है कि आपने कौन सी फाइल मूव की हुई है और ये कहीं भी आके सेव नहीं करता है, ये इस पर्टिकुलर फोल्डर में आके सेव करेगा जहाँ पे डेस्कटॉप में इसने बनाई है। तो इस तरह से बहुत खूबसूरती से जो है ना आपका यहाँ से माउस और जरिए से आप फाइल कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं अगर सोचूँ कि चलो एक काम करते हैं कि सपोज़ के कोई एक विंडो खोल लेता हूँ मैं कुछ ये चीज़ का, सपोज़ के मैं यहाँ से नोटपैड जो है ना टाइप कर लेते हैं नोटपैड, तो क्या ये नोटपैड यहाँ से वहाँ मूव होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये कोई ये तो एप्लीकेशन विंडो है, ये इस कंप्यूटर की विंडो है, वो यहाँ पे मूव नहीं होगी। हाँ, फाइल मूव होगी, यहाँ से जाता हूँ मैं तो ये छोड़ दिया उसने, देख रहे हैं, तो नोट पैड उसने नहीं करेगा क्योंकि एप्लीकेशन विंडो है, क्योंकि ये सेकेंडरी डिस्प्ले नहीं है इस चीज़ का, ये एक माउस कंट्रोलिंग चीज़ है जहाँ से आप यहाँ से वहाँ माउस कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी हो गई आपकी बात जो है क्लिक एंड ड्रैग की। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से कॉपी पेस्ट की, तो मैं चलो देख लेता हूँ, यहाँ से मैंने कॉपी किया या यहाँ पे हम कॉपी यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने, कॉपी करके अब यहाँ पे आता हूँ मैं और यहाँ पे आकर के मैंने सिर्फ कॉपी किया, कुछ नहीं किया। कॉपी करने के बाद में जैसे ही मैं स्क्रीन पे आया, उसने ऑटोमेटिक उसने यहाँ पे जो है ना कैप्चर फोल्डर बनाया, उसने यहाँ पे उसको पेस्ट मार दिया है। मैंने उसे पेस्ट मारा भी नहीं, मतलब कॉपी जो है वो पेस्ट की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कॉपी करके माउस यहाँ पे लिखाएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे पेस्ट मार देगा। ये नहीं, वो तो बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी में बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी तरह से ये काम कर रहा है। मुझे तो मतलब कि उम्मीद नहीं थी कि इतना मुझे कुछ मिलेगा इसके अंदर, काफ़ी कुछ मुझे इसमें से मिल गया है। सपोज दैट कि मैं यहाँ से ये कुरान, ये जो कुरान की जो फोल्ड फाइल है, मैंने वो सपोज दैट कि यहाँ से कॉपी की, देखिए 4 MB की फाइल है ये। अरे भाई मेरा माउस भी खराब चल रहा है। हाँ, ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है, और फिर यहाँ पे आके यहाँ पे आ जाऊँगा मैं। तो देखिए आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आया तो यहाँ पे आपको कुरान की फाइल मिल गई। तो मतलब खाली माउस यहाँ पे रखना है स्क्रीन पे और मुझे यहाँ पे वो फाइल मिल जाती है, ये रही, ठीक है ना। तो इस तरह से क्लिक एंड ड्रैग से ज़्यादा अच्छा तो मुझे ये कॉपी पेस्ट नज़र आया, कि कॉपी पेस्ट तो बहुत बढ़िया से काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं मेरा आपको जो डेमो दिखाते हुए डेमो दिखा दिया, और मैंने आप चाहें तो अभी आपको थर्ड पीसी हो तो आप थर्ड पीसी भी बैठ के वो भी बैठ के आप मैनेज कर सकते हैं, ऐसे लेफ्ट लेफ्ट करके राइट जाके आप उसमें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, वहाँ से आप काम कर सकते हैं। आप जो है एक ही कीबोर्ड माउस से आप 3 कंप्यूटर और मैनेज कर सकते हैं, ये एक एक जो ये वाला जो खुद का पीसी होगा वो 4 हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम आपसे इसके जो ऑप्शंस की बात कर लेते हैं कि ऑप्शंस किस तरह काम कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए मैं यहाँ से आता हूँ इसके अंदर, सॉरी कहाँ गया, ये रहा, हाँ यही तो सामने तो है। हाँ, तो अब यहाँ से आ गया है, मैं यहाँ से इसमें जाते हैं हम इसको ये कर देंगे, ये आ गया अदर की, अदर्स ऑप्शन में जाके जो है ना ये माउस रैप चीज़ है जो कि आपको जो है ना मूव कंट्रोल बैक फर्स्ट मशीन में माउस पासिंग द लास्ट वन, ये क्या कर रहा है कि जब आपका जो भी लास्ट पीसी है 2 या 3 या 4 वहाँ से जब चले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको नंबर 1 PC वाला खड़ा कर देगा, ये वो ऑप्शन है, आप वो चेंज कर सकते हैं। बाकी इसमें से जो ऑप्शन आपको अनचेक करने हैं आप अनचेक कर सकते हैं, काफ़ी कुछ इसके अंदर है, मतलब कि डिसेबल CAD कंट्रोल ऑल डिलीट आपको डिसेबल करना है, डिसेबल कर सकते हैं, मतलब कि आप इस PC से बैठ करके बहुत ही 2-3 PC में किसी एक PC आप कंट्रोल ऑल डिलीट कर सकते हैं और लॉक कर सकते हैं PC बैठ के, तो वो ईजिली हो जाता है। यहाँ पे वैलिडेट रिमोट IP address है, आप चाहें तो IP address के थ्रू भी वैलिडेशन कर सकते हैं। यहाँ पे सेम सबनेट ओनली है, मतलब कि अगर कोई
कंप्यूटर इस सबनेट में नहीं है तो आप चेक मारेंगे तो उसी सबनेट में होगा तो ही कनेक्ट होगा। ऐसे ऐसे अच्छे से ऑप्शंस हैं यहाँ पर। यहाँ पे ये जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर जो है ना ये कंट्रोल अल्ट ये जो है ना F1 से 1 2 3 4 डिसेबल, तो ये जो है ना ये शॉर्टकट चीज़ है कि आपको ये कंट्रोल अल्ट और F1 पकड़ेंगे तो जो ऑप्शंस हैं वो आएंगे, मतलब कंट्रोल F1 F2 F3 F4 इस तरह से कंट्रोल अल्ट 1 2 3 4 है, कंट्रोल ये डिसेबल करना है तो है। इसमें क्या है चार ही क्यों दिए हुए हैं, चार इसलिए देखें क्योंकि आपके पास इसमें से चार कंप्यूटर आप मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए कंप्यूटर नंबर 1 के लिए F1 है, कंप्यूटर नंबर 2 के लिए F2 है, कंप्यूटर नंबर 3 के लिए F3 है, कंप्यूटर नंबर 4 के लिए F4 है। तो आपको अगर डायरेक्टली यहाँ से स्विच ऑफ मारना है तो कंट्रोल अल्ट और F2 मारेंगे तो नंबर 2 पे पहुंच जाएंगे, F3 से नंबर 3 पे और नंबर 4 पे पहुंच जाएंगे। मतलब आप डायरेक्टली 1 2 3 4 यहाँ से कर सकते हैं बिना माउस मूवमेंट पे। आप यहीं से बैठे हुए आपने जो है जैसे F2 मारा तो आप जो है पहुंच जाएंगे उस कंप्यूटर के अंदर जहाँ पे आपको काम करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ, मैंने यहाँ पे F1 के जगह 1 2 3 लिया हुआ क्योंकि मेरे पास में F1 पे कुछ की असाइंस है तो मैंने 1 2 3 लिया हुआ। आप चाहें तो आप उसका सेम कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं जो भी, ठीक है। अब यहाँ एम करेंगे तो सेटिंग शो करेगा। ये जो है ना ये बहुत बढ़िया चीज़ है, लॉक मशीन कंट्रोल अल्ट एल, ठीक है। आप कंट्रोल अल्ट एल्ट में लॉक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कंट्रोल अल्ट 2 दे दिया है तो 2 तो ये खुद का कंप्यूटर ये शो कर रहा है यहाँ पे 2, ठीक है। मैं आप जाऊँगा कंट्रोल अल्ट 1, मैं कंट्रोल अल्ट 1 प्रेस करता हूँ, कंट्रोल अल्ट 1 मैंने प्रेस किया। जब मैंने 1 प्रेस कर लिया तो मैं इस कंप्यूटर का मैनेज कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा 1 कंप्यूटर है और ये 2 कंप्यूटर है। अब आप देखिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से कंट्रोल अल्ट एल प्रेस करूँगा, ठीक है। ये जो कीबोर्ड है वो डेस्कटॉप का कीबोर्ड है ये कीबोर्ड, और यहाँ से मैं यहाँ करता हूँ कंट्रोल अल्ट और एल, कंट्रोल अल्ट एल। मैंने देखिए कंट्रोल अल्ट प्रेस किया है इस कंप्यूटर पे, यानी इस पे प्रेस किया है मैंने, डेस्कटॉप कीबोर्ड पे प्रेस किया है जो डेस्कटॉप में मेरा सॉफ्टवेयर के थ्रू ही मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन तो गाइस कंट्रोल ऑल एल से जो है ना, कंट्रोल ऑल्ट एल से जो मैंने यहाँ पे प्रेस किया हुआ है इससे मैंने इस लैपटॉप को लॉक कर दिया है, जो कि इससे लॉक होना चाहिए था लेकिन इसे लॉक किया है मैंने। अच्छा, अब अगर मुझे फिर से इसको कंट्रोल ऑल्ट एल प्रेस करना है, मैं वापस से दे देता हूँ कमांड यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट और एल, कंट्रोल ऑल्ट एल प्रेस किया तो मुझे यहाँ पे ये स्क्रीन पे आ गया, क्योंकि इसने अनलॉक के लिए ट्राई किया क्योंकि वो टॉगल काम कर रहा है। अभी मैं अब क्या करूँगा, मैं यहाँ से देखिए मैं टाइप कर रहा हूँ, ये रहा मैं इस कीबोर्ड पे टाइप कर रहा हूँ इसका पासवर्ड, आप देख सकते हैं यहाँ से मैं टाइप कर रहा हूँ पासवर्ड 2 3 4 5 6, तो ये हो गया। तो इस तरह से जो है ना प्रॉपर तरीके से ये यहाँ से वहाँ स्विच ऑन कर रहा है, मैनेज कर रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको टाइप करना है तो आप टाइप कैसे कर सकते हैं। इसी आप मैं यहाँ कर क्या करता हूँ कि यहाँ पर से मैं इसमें आ गया हूँ और यहाँ पर मैंने जो है ये नोटपैड चालू किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये कीबोर्ड जो है मैंने इसको डाल दिया है अंदर ड्रावर में, इसे यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, ये माउस हटा दिया है मैंने यहाँ से। अब मैं जो है ना यहाँ से मैनेज कर रहा हूँ ये लैपटॉप से, जो यहाँ पे मूव कर रहा हो या माउस, तो ये देख सकते हैं कि ये माउस जो है आप देख सकते हैं कि माउस यहाँ मूव हो रहा है, ये देखिए ये रहा माउस, यहाँ मूव नहीं हो रहा क्योंकि मैंने यहाँ से यहाँ आ गया हूँ इस डेस्कटॉप के ऊपर। अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो यहाँ जो टाइप करूँगा मैं तो वो इसके ऊपर टाइप हो रहा है ना कि इसके ऊपर। इस तरह से आप जो है टाइप कर सकते हैं, जहाँ पर आपका माउस पॉइंट होगा वहाँ टाइप होगा, माउस पॉइंट आप यहाँ पे आ गया है तो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं, ये रहा कुछ इस तरह से, ठीक है यहाँ टाइप कर सकते हैं, यहाँ पर टाइप हो रहा है। और अगर माउस पॉइंट आप यहाँ लेके आ जाएंगे तो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं, ये रहा ये यहाँ टाइप हो रहा है। तो मैंने वो अच्छी तरह से कोशिश की है कि आप लोगों को समझा दूँ कि किस तरह से ये काम कर रहा है, किस तरह से माउस जो है मूव हो रहा है, लेफ्ट राइट जा रहा है, स्क्रीन चेंज हो रही है, किस तरह से टाइपिंग हो रही है, किस तरह से आप शॉर्टकट की से एक नंबर वन कंप्यूटर, नंबर टू, नंबर थ्री कंप्यूटर मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से लॉक अनलॉक कर सकते हैं पीसी के ऊपर। और बहुत अच्छी तरह से मैंने, मुझे लगता है कि मैंने आपको जो है बता दिया डेमो, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मेरा ये जो डेमोस्ट्रेशन है सॉफ्टवेयर का पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है मेरा ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आप पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, आगे भी ऐसे मैं वीडियो लाते रहूँगा। टेक एलिमेंट, थैंक यू।